नमस्कार, मैं निजू स्वागत करता हूँ सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप तो जी हाँ, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूँ। बगल में जो शख्स हैं ये हैं सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, और पता है किसके हैं? ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के। जी हाँ, और कई सारे सवाल हैं भैया, पैसे का जो लेन देन होता है ना असली यही है, यही करते हैं जो कहते हैं ना हिसाब किताब। लेकिन कई सारे सवाल हैं, पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया। स्वागत है सर आपका भी। सर एक बात बताइए, सबसे पहले खेसारी लाल यादव के आप चार्टेड अकाउंटेंट मतलब सीए हैं, तो पैसे का तो पूरा हिसाब किताब पता होता है कि भाई कितना पैसा आया कितना पैसा गया, मतलब पूरा एकदम प्रॉपर वाला है ना? नहीं, केवल हिसाब किताब होता है, पैसे का तो बात ही नहीं होती है सर। केवल हिसाब किताब होता है ना, पैसा तो अपने आप जगह पर रहता है, उनका प्रॉपर चैनलाइज करना रहता है कि कहाँ क्या करना है ना, प्रॉपर टाइम पे कंप्लायंसेस कराना होता है कंपनीज का। केवल हिसाब किताब में पैसा ही थोड़ी आता है, जो भी कंप्लायंसेस का वर्क है, जैसे कि जीएसटी का फाइल होना चाहिए, इनकम टैक्स का फाइल होना चाहिए, टीडीएस का फाइल होना चाहिए, वो सारा कंप्लायंस हम लोग को करा देना होता है ना। अच्छा एक बात भी देखिए, खेसारी जी इतने सारे म्यूजिक कंपनियों से बात कर मतलब जो डील होती है, तो जीएसटी वगैरह का कुछ पंगा वगैरह इशू जो होता है वो प्रॉपर हो जाता है या फिर कुछ इशू वगैरह आते रहते हैं बीच बीच में? पहले तो बड़ा इशू होता था है ना, जब जिसटी इसलिए में आया हुआ था तो किस कंपनी को भी नहीं समझ में आ रही थी, कुछ लोगों को भी नहीं, खासकर इंडस्ट्री में बड़ा रेगुलराइज नहीं था, अनरेगुलराइज था। तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे उसको रेगुलराइज करना शुरू किया, अमेंडमेंट्स में मैं जो भी इनको कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम लोग उनके अमेंडमेंट किया, नोटिफिकेशन की कॉपी दिया करते थे कि अपने कंसल्टेंट से एक बार आप कन्फर्म कर लो, इसके बाद ही इस पर हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो इस चीज़ों को हम लोगों ने कम्प्लीट कराया, और जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट आते हैं तो हम लोग जिनके साथ भी डील होती है पहले ही बता देते हैं कि साहब ये जीएसटी का अमाउंट है, आपको सेग्रीगेट करना है, इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। तो एट अ टाइम ऑफ एग्रीमेंट ही जब इनवॉइस बनते हैं तभी ये बातचीत हो जाती है, इसलिए कहीं कोई इशू बनता ही नहीं है। तो पहले बहुत सारी कंपनियाँ जीएसटी का पेमेंट नहीं करती थी, लेकिन राइट नाउ अभी वैसा नहीं है, सब कुछ रेगुलराइज हो रहा है। सर एग्रीमेंट के आपने बात की और एग्रीमेंट्स के हिसाब से जीएसटी कटता है, लेकिन अभी जो एग्रीमेंट का जो विवाद है, जीएमजी का जो विवाद है, वो एकदम खुल के सामने आ चुका है। अब इसमें कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव उस एग्रीमेंट में पूरी तरीके से फंस चुके हैं, एज ए सीए आप इसको देखते कैसे कि क्या वाकई में खेसारी लाल यादव उस एग्रीमेंट में फंस चुके हैं? एक्चुअली मैंने ये एग्रीमेंट देखा ही नहीं है, हमारे कंसर्न में आया ही नहीं था, ये उसके पहले ही साइन हो गई थी, तो इस पर मैं कोई कॉमेंट ही नहीं करूँगा। लेकिन राइट नाउ जो लग रहा है कंडीशंस, कि मैं तो ग्लोबल वाले से भी, राजकुमार जी से हमारी मेल पे मेलिंग होती है किसी कंप्लायंसेस को लेके, लेकिन भी कंप्लायंस कराने में बड़ा प्रॉम्प्ट आदमी है, तो भी कंप्लायंस करा देते हैं। तो आई थिंक लगता है कि बहुत जल्दी ही मैटर सॉल्व हो जाएगा, खेसारी जी भी सुलझे हुए आदमी हैं, तो आई होप सो कि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फैंस को मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा वेट कर लें, वो पेशेंस रखें, ऐसा कोई भी इस तरह का कॉमेंट नहीं करें जो कि खेसारी जी की टीम को प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात बताइए सर, खेसारी जी लाइव में कहते हैं कि वो 30 लाख रुपए आया है, 5 करोड़ की जो डील होती है 30 लाख, तो 30 लाख अगर आया है तो सीए को तो ज़रूर पता हो सकता है। नहीं नहीं, ये तो अब खेसारी जी बताएंगे कि कैसे कितना पैसा आया है, हम लोगों को तो प्रॉपर कंप्लायंस का काम होता है। अगर वो 30 लाख आया है कि 1.5 करोड़ आया है, उस पर जीएसटी का पेमेंट हुआ है कि नहीं ये हम कन्फर्म करा देंगे, उस पर टीडीएस कटा है कि नहीं ये कन्फर्म करा देंगे, पैसा कितना आया है ये तो जिनके अकाउंट्स में आएगा वो बताएंगे साहब, इस समय कोई कमेंट ही नहीं कर सकता। तो हमारे पास तो बिल आते हैं, उसके हिसाब से टीडीएस कटा है कि नहीं, जीएसटी कटा है कि नहीं, जीएसटी फाइल हुआ है कि नहीं, टीडीएस फाइल हुआ है कि नहीं, इसको मैं बता सकता हूँ कि ये प्रॉपर फाइलिंग हुई है कि नहीं। अच्छा, मतलब ये जो है जो कहते हैं जो पैसे का हिसाब किताब, जीएसटी वाला हिसाब किताब आप उसको देखते हैं, लेकिन जीएसटी में भी कई सारी चीज़ें होती है लफड़ेबाजी, जो सरकार उधर से जमा होता है इधर से निकलता नहीं है, ये जीएसटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि यदि कंपनी जमा नहीं कर रही है तो इसको फिर अगेंस्ट में आप कैसे लेते हो? नहीं नहीं, अगर कंपनी जमा नहीं करती किसी बिल के अगेंस्ट, उसका रिकॉन्सिलेशन का सिस्टम है, आप उसको रिकॉन्साइल करा लीजिए कि कौन सा बिल का पेमेंट हुआ है, पार्ट पेमेंट हुआ है, फुल पेमेंट हुआ है, कैसे हुआ है, आप कंपनी को मेल कीजिए, जो प्रॉपर कंप्लायंसेस है जीएसटी R1 की कॉपी आप उनको शेयर कीजिए कि साहब ये बिल का पेमेंट हमारे पास नहीं दिख रहा है, अगर आपने पेमेंट किया है तो मुझे आप शेयर करें, तो आप रिकॉन्साइल कराएंगे मेल के थ्रू या जैसे भी होता है आप कम्युनिकेट करके, तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। पहले वाली ये बातें नहीं रह गई है, अब सारा चीज़ सब विजुअलाइज्ड है, सब दिखता है, सब डिजिटल इंडिया है, मोदी जी के टाइम में सब ये डिजिटल इंडिया है, तो इंस्टेंट रिएक्शन आते हैं। अगर आपने फाइल किया है तो ओटीपी जाएगा, जीएसटी R1 अपडेट हो जाएगा, तो जैसे ही अपडेट हो जाता है वैसे ही आपके पास इनपुट का आउटपुट का जो भी क्लियरेंस है वो क्लियर हो जाता है, इसलिए आप कोई बड़ा इशू नहीं है जीएसटी का इसमें। सर अभी हाल ही में खेसारी जी ने अपना रैंड रोवर लिया, तो जाहिर सी बात है लोन पे ही हुआ है,
तो लोन का जो काम है वो भी आप देखते हैं या फिर उनका लेके कुछ अलग टीम है? नहीं, क्योंकि मैं यहीं से ही लोन हुआ है, बिहार से ही लोन हुआ है, और मैं यही चाहूँगा कि इनका सारा काम बिहार से ही हो, क्योंकि अपने स्टेट के हीरो हैं, तो पूरा स्टेट का रेवेन्यू यहीं रहे, दूसरे स्टेट में नहीं जाए। तो यहीं से ही लोन हुआ है इनका, डिफेंडर का जो लोन हुआ है, और वहाँ वाली एजेंसियाँ और वहाँ वाले बैंकर्स ने मुझे बड़ा फ़ोन किया कि धीरज जी ऐसा क्या इशू है जो बिहार से काम करना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर मैं बिहार से हूँ, हमारे आर्टिस्ट भी बिहार से हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंगली अपना स्टेट का रेवेन्यू अपने स्टेट में रहने दिया जाए, क्योंकि यहीं से इनको रेवेन्यू आता है। ऐसा तो